वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टर्किश हलवे की बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी। यह हलवा सऊदीया में और तुर्की में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मज़े का बहुत होता है और सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, सर्दी के सीज़न में तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। टर्किश हलवा बनाने के लिए ये मैंने तिल लिए हैं जो कि 1.5 कप है, 1 कप शुगर पाउडर, 1 कप ड्राई मिल्क। मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर लें। और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 कप ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जगह आप लोग कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा पका लीजिएगा ताकि हलवे में कोई स्मेल वगैरह ना आए। सबसे पहले ये जो तिल हैं ये मैं एक पैन के अंदर डाल के इनको मैं भून लूँगी, हल्का सा हल्की आंच पे भूनूंगी ताकि ये जले नहीं। तो तिलों को मैं बिल्कुल हल्की आंच पे भून रही हूँ। तो अब देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है और खुशबू आने लगी है। तो अब मैं आंच बंद कर देती हूँ और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इनको ग्राइंड कर दूँगी। तिल जो है ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको ग्राइंड कर दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। तिल जो है ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसके अंदर ये मैं 1 कप ड्राई मिल्क ऐड कर दूंगी, 1 कप चीनी का पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, और इसे मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। छोटी सी ट्रे ले ली है, इसके ऊपर ऑयल से मैं इसको ग्रीस कर लूंगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया। अगर आप गार्निश कर दें किसी भी ड्राई फ्रूट से, कोई भी आप ले लें, बादाम ले लें, पिस्ते ले लें, कोई भी ले लें। और इसे मैं कवर कर दूंगी। इसे मैं चंद घंटों के लिए रख दूंगी फ्रिज में। तो अब चंद घंटे गुजर चुके हैं, साइड से मैं इस तरह करूंगी ताकि आसानी से निकल आए। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर ये कोकोनट, ये मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था, तो ये इसके ऊपर डाल दें कोकोनट पाउडर। तो हमारा टर्किश हलवा बनकर तैयार हो चुका है, जिसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हलवा आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी कोई बन जाता है। जिस तरह चाहें आप इसकी कटिंग करें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।